नमस्कार दोस्तों वी एम कोटा के नंबर वन हेल्पफुल चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वी एम कोटा के जो जून 2020 की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उस रिलेटेड बहुत अच्छी अपडेट निकल कर सामने आ रही है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों अच्छे तो क्या कह सकते हैं खैर जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा लेट हुए और इस बार जो स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं वी ओमी कोटा ने भी बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती इस मामले में चलो कोविड था सबको पता है मार्च से कोविड चल रहा है लेकिन उन स्थितियों में जो स्थितियां बिगड़ी उसके बाद भी जो वी ओम कोटा है वो दूसरे यूनिवर्सिटी के मुकाबले लगातार लेट ही चल रहा है दूसरे यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है उसके मुकाबले बहुत लेट चल रहा है और उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों ये जो राहत की बात यह है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे उनके लिए अब डिसीजन हो चुका है और उसका नोटिस यहाँ पर वेबसाइट पर वी डॉट की जारी कर दिया गया आप देख पा रहे बी ए बी पार्ट थर्ड प्रायोगिक परीक्षा जून दो में अंग प्राप्त करते संबंधी निर्देश तो मतलब यहां पर जो दिशा निर्देश है वो वेबसाइट पर पूरी तरह अपलोड हो चुके हैं दोस्तों मैंने मैंने इसकी जो अपडेट थी दोस्तों मैंने पर आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्दी दे दी ग्यारह तेईस पर ही दे दी थी क्योंकि दोस्तों मैं अमन दिन में कभी टाइम नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाता और मैं यहाँ टेलीग्राम पर अपडेट दे देता हूँ तो वीओमी एजुकेशन जॉब प्लान हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट होगी वो वीडियो तो टाइम मिलने पर बन पाता है या फिर जो हर चीज़ का वीडियो नहीं बन पाता तो मैं वहाँ टेलीग्राम पर अपडेट दे देता हूँ तो दोस्तों अब बात करते हैं बी ए बी एस सी पार्ट थर्ड प्राइवी जून दो हज़ार बीस निर्देश जारी हुए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन सबके जो है पी डी एफ सेपरेटली पी डी एफ अपलोड हो चुके हैं यहाँ पर आप देख लीजिए होम साइंस कंपनी साइंस ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी तो इन सब की जो है पी आपको अलग अलग, अलग यहाँ पर बी भी इंक्लूड है साथ में और बी की फिजिक्स और साइकोलॉजी की भी कंप्लीटली पी है वो अपलोड हो चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पी है केवल केवल जून दो की जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है दूसरों को इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है अभी दिसंबर वालों का क्या सिस्टम है उसका कुछ अभी क्लेरिफाई किया नहीं है यूनिवर्सिटी ने अभी तक उसकी पेंडेंसी ही चल रही है और लगातार कन्फ्यूजन सी है क्योंकि कोई क्लेरिफाई यूनिवर्सिटी की तरफ से किया हुआ नहीं है तो दोस्तों इसमें जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे जून दो की एक पी मैंने अब डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको थोड़ा क्या प्रोसेसिंग रहेगी इसका मैं समझा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप किसी भी सब्जेक्ट की जो है आपको यहाँ से अपनी जो आपका जो सब्जेक्ट है उसकी पी आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेने ये इतने सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके जो है दिशा निर्देश लिखे हुए को जून दो में जो है आपके प्रायोगिक परीक्षा का अंग निर्धारण है वो प्रायोगिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा मतलब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो आयोजन नहीं होगा आपको कुछ टास्क दे दिए गए हैं टास्क क्या बोलते हैं मतलब आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं जैसे आप असाइनमेंट तैयार करते थे उस हिसाब से और उनको आपको तैयार करके फिर आपको जो है निश्चित समय पर आपको रीजनल सेंटर पर जमा करना है तो वो आपका पचास नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम माना जाएगा मतलब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम अब आपके एक तरीके से घर बैठे आयोजित तो हो रहा है और इसको आपको पार्टिसिपेट करना है तभी आपका रिजल्ट क्लियर होगा वरना आपका रिजल्ट अटका हुआ रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रायोगिक रिकॉर्ड के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय किया गया आप निम्न प्रायोगिक कार्य को प्रायोगिक फाइल में तैयार कर अपने क्षेत्रीय केंद्र पर दिनांक पच्चीस बारह दो 2020 तक जमा कर देना है तो दोस्तों यहां पर जैसे कोई ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स है तो उनको क्या करना है ये, जितना भी ये क्वेश्चन दे रखें यहां पर स्पष्ट लिखा है कोई भी पांच प्रश्न करना है प्रत्येक प्रश्न दस नंबर का पचास नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है तो यहां पर इन्होंने अपलोड कर दिया जैसे फाइनल वालों के लिए तो इनमें से कोई आठ क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट करने हैं आपको जो है प्रैक्टिकल है जो आपको पेंटिंग वगैरह जो भी आपके जो टास्क कर रहे थे जोग्राफी के अकॉर्डिंग वो सारे आपको सचित्र वर्णन लिखा है इनको सबको एक्सप्लेनेशन देते हुए प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसका जोर रहने ही वाला है तो उसको एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको फाइल तैयार करके और फिर अपने रीजनल सेंटर पर पच्चीस तारीख से पहले जमा करनी है ये हम शॉर्ट एंड स्वीट सी बात है और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है प्रथम पृष्ठ पर निम्न सूचना अंकित करें मतलब आपको जो फर्स्ट पेज लगा रहे हो आप फाइल का उसके ऊपर आपको स्कॉलर नंबर आपका नाम पिता का नाम पाठ्यक्रम कोड जमा करवाने क्षेत्र केंद्र का नाम इन इन चीज़ों को इंक्लूड करना है ताकि नेसेसरी वहाँ पर पहचान हो सके और आपकी जो फाइल है उसके चेकिंग होकर उसके मार्क्स है वो अपडेट हो सके और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सके और आप इसकी जो डिग्री है जो अटकी हुई है कहीं भी किसी भी कारणों से वो पूरी हो सके तो दोस्तों यहां पर ये यह जैसे मैंने का आपको बता दिया फर्स्ट पेज इस प्रकार से लगा देना है और आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके पच्चीस बारह दो आपका जो भी रीजनल सेंटर है उस रीजनल सेंटर पर जमा करना है अगर आपको कोई क्यूरीज है तो यहाँ पर इन्होंने मेल आई भी दे रखी है किसी किसी में आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी जारी किए हुए हैं जैसे आप ये जियोलॉजी का देख रहे हैं यहां पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं तो आपके जो भी है आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं वैसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है आप इजीली आप उसको डाउनलोड आपको कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि आपको जो जो आपके प्रैक्टिकल की जो पुस्तक है जी जीरो नाइन उसकी भी सहायता लेकर भी आपको करना है मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट हो जो स्टडी मटेरियल आपके पास प्रोवाइडेड है उसको आपको कंप्लीट कर देना है तो दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम यह होने के बाद बहुत जल्द रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और आपकी जो डिग्री जो पेंडेंसी में चल रही थी वो जरूर कंप्लीट होगी ऐसी हम आशा कर सकते हैं दोस्तों वीओमए कोटा रेटेड इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेट मिले टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना ही है तभी आपको जो है छोटी मोटी अपडेट सारी वहीं से मैं देता हूं तो दोस्तों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों